एनकाउंटर हुआ है। अब तक एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। आरागाम के जंगल में दो आतंकवादी छिपे होने की सूचना थी। संदिग्ध गतिविधि पर जवानों ने फायरिंग की। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक आतंकी ढेर, दूसरे की तलाश जारी। आरागाम के जंगल में छिपे थे दो आतंकी, संदिग्ध गतिविधि पर जवानों ने की फायरिंग। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में कल शाम मुठभेड़ शुरू हुई थी। बांदीपुरा में एनकाउंटर हुआ है। अब तक एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। संदिग्ध गतिविधि पर जवानों ने फायरिंग की। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरा आतंकवादी कहां है उसकी तलाश की जा रही है, या फिर ये केवल दो आतंकवादी लग रहे थे, इससे ज्यादा आतंकवादी हो सकते हैं। किसी भी तरह के इनपुट पर इस वक्त सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, घेर लिया गया है। एक आतंकवादी के मारे जाने की पुख्ता खबर मिल गई है। उधर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी कर ली गई है। एमएचए ने एनआईए को सौंपी रियासी आतंकी हमले की जांच। जम्मू पहुंची एनआईए की टीम। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रियासी में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश से गए तीर्थयात्रियों की बस पर फायरिंग की गई थी, और इस फायरिंग में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, बाकी 35 लोग घायल हुए थे, इसकी जांच एनआईए कर रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर शाह, आखिरकार एमएचए ने बैठक की, बैठक करने के बाद एनआईए को जिम्मेदारी दी, और बैठक करने के बाद यह साफ कर दिया कि अब जम्मू कश्मीर में मौजूद जो भी टेरर मॉड्यूल है उसको पूरी तरीके से खत्म करने पर फोकस किया जाए। मेजर शाह, जो अरगम में बांदीपुरा एरिया में इलाके में जो ऑपरेशन चला है, जहां पे आपने बताया कि एक आतंकवादी की अभी फिलहाल कंफर्म्ड सूचना है और ये ऑपरेशन चल रहा है अभी, मैं ये बात मेरे को जानता हूं अपने फोर्सेस के बारे में, वो चुन चुन के मारेंगे उग्रवादियों को, उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे, और ढूंढ निकालेंगे जो उग्रवादी सोच रहे हैं कि हम बिना हथियार के, हम बिना सिविलियंस के, उनको मालूम नहीं है हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क का, हम कहां से खदेड़ के खोज निकालेंगे और किसी भी कोने के बिल में छुपा हुआ हो बाहर से खींच के निकालेंगे। इसमें तो कोई शक की बात इनको हो ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमने जो आर्मी ने एक तरीके से बोल लिया है कि जितने भी उग्रवाद है जम्मू कश्मीर से उनको हम खदेड़ के निकाल बाहर फेंक देंगे, जी हाँ, मगर अफसोस की बात यह है अनु भाई कि हम एक मारेंगे इनके बदकिस्मती से 10 पैदा हो जाते हैं। तो इनका खात्मा करना है, इनका खात्मा करना पड़ेगा, इनको ऑपरेशन चलाओ, इनको निकाल निकाल खदेड़ खदेड़ के खत्म करो, खात्मा तो करो इनका, क्योंकि जो भी बंदूक उठाता है उसको मालूम होना चाहिए कि वो किसके लिए साइन अप किया है। उसने जिस दिन उसने बंदूक उठाई उसी दिन उसने अपने ही मौत की, अपने ही खात्मे के लिए साइन अप किया है उसने, उसको ये मालूम होना चाहिए। अब ये कैसे मालूम होगा? ये होगा थ्रू एजुकेशन। तब तक पहले मैं दाग देता हूँ आपको और आपकी चैनल को कि आपके माध्यम के जरिए कम से कम ये आवाज वहां तक तो जा रही होगी कि भाई अगर उन्होंने बंदूक उठाई तो उनका बहुत अंजाम बहुत ही खराब होएगा। दूसरी बात, थ्रू एजुकेशन उनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा, सोचधारा जो है, जो इनको सपने दिखाया जाता है ना कि आपको हूर परी मिलेंगी, अब क्या क्या बकवास इनको दिखाया जाता है, कुछ नहीं होने होने वाला, ये लोग सीधा जाएंगे जहन्नुम में। कोई भी ईमान नहीं बोलेगा जाओ जाके अपने आप को बम से उड़ाओ, जाओ जाके मासूमों की जान लो, जाओ जाके उग्रवाद फैलाओ, जाओ जाके दहशतगर्दी फैलाओ, कोई नहीं बोलेगा। ये इनको 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 ब्रेन वॉश किया जाता है ऐसे ऐसे लोगों से जिनके खुद के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं और उनके जो टॉप लीडरान हैं उनके बच्चे जन्म वहां पे तो पढ़ रहे हैं विदेश में। ये ऐसे बेरोजगार लोगों को लिखे। ठीक है मेजर शाह, रुक करता हूं आपका एक बार फिर। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, आपका रुक कर लेते हैं अभी। अजय, इस एनकाउंटर के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बांदीपुरा में एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है, मगर आपको एक तस्वीर पहले बताना चाहूंगा राजीव। सामने आप देखेंगे तो ये हेलीकॉप्टर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का है, जो अभी लैंड कर रहा है इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर। और आपको बता दूं कि कल गृह मंत्री